फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में कोई किसी के खिलाफ लड़ सकता है। मैं मेरे आदरणीय भाई साहब श्री ओम प्रकाश सामने सामने लड़ सकते हैं, ये परिवार भी लड़ सकता है। प्रजातंत्र तो इसी को कहते हैं ना, ये आपस में फर्स्ट कजन है। और आज प्रदीप ने अपने बड़े भाई राज गावा के, इसके दीपक गावा के समर्थन में बैठने का फैसला कर लिया और आज से पूरी इसकी टीम, पूरी इसकी ताकत इसके साथ लग जाएंगे। आज से इलेक्शन उलट पुलट ये कर देगा और मैं इसका धन्यवाद करता हूँ प्रदीप का, इसके सारे सपोर्टर जितने साथी खड़े हैं, इन्होंने जी जान से एक आपस का परिवार का था, कुछ नहीं अहम की बात थी और दोनों में बैठ के ठीक हो गया। ये चाहने लगे कि मैं भी, क्योंकि यहाँ का MLA हूँ, यहाँ से मंत्री हूँ, इनका ये कहना था कि मैं भी बीच में हाजिर हूँ, तो मैं हाजिर हो गया। मैं इनको दोनों को बधाई देता हूँ, इकट्ठे होकर आज ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में बैठ गया। तो मैं प्रदीप का बहुत बहुत इसका धन्यवाद करता हूँ, इसका पूरा लाड करता हूँ। सर साहब, आज जो है वो नार्कोटिक्स की टीम भी जो है वो रानिया के अंदर जगह जगह पे, क्योंकि नशा को रोकने के लिए। देखिए, नशा एक देश की प्रॉब्लम है, उसमें कोई कहीं भी जा सकता है। नार्कोटिक्स की टीम अपने तरीके से चलती है, उसका कोई इस बात से नहीं। चुनाव हो नहीं हो तो और जगह भी तो चल रही है, पूरे देश वहाँ तो चुनाव नहीं है, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं। वो अपना उनकी एक एक्सरसाइज है। नशा सबसे, ये लोग जो यहाँ खड़े हैं सारे ये कहते हैं, मुझे वोट इस बात के ज़्यादा मिले थे कि नशा बंद हो। तो नशे के लिए जो गंदे आदमी गंदे काम करते हैं उनको पकड़ने के लिए घूम रही है, तो घूमें, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो रानिया में काफ़ी मौत भी हो चुकी है नशे को लेकर के। आपने भी जब चुनाव लड़ा था तो आपने कहा था कि चिट्टा ख़त्म कर देंगे, अब चुनाव शुरू होने के बाद भी 2 मौत हो गई, तो क्या ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है ये चिट्टा? देखिए, एक ऐसी बीमारी है जो पंजाब से चली है और पाकिस्तान बॉर्डर से होकर, सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान पाकिस्तान से नशा आया और पहले नहीं था। अब इन दिनों में पंजाब में तो पूरी जड़ें फैला ली, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट है, साथ लगता है, राजस्थान से भी आता है, पंजाब से भी आता है, हमने पूरी फोर्स लगा रखी है। इसके बाद भी कहीं कहीं आ जाता है, थोड़ी छोटी सी चीज़ आदमी कहीं साइकिल के टायर में डाल के ले आता है, कहीं मडगार्ड के नीचे बांध के ले आता है। इस चीज़ को आप चेक नहीं कर सकते। लोग एयरपोर्ट पर भी कई बार ये होता है, कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार निकल भी जाते हैं। अब अपने कपड़ों में डाल के भी लेडीज ले आती है। ये ऐसा नशा है कि इसका बहुत, हम इस मामले में संजीदा हैं, बहुत सख्ती से इसे कर रहे हैं, पर उसके बाद भी थोड़ा कहीं आ रहा है, पर पहले से काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो सब आज जो नशा है उसको लेकर के पुलिस के सूत्र भी ये कहते हैं कि ये लोग हैं वो आसानी से छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि, जो राजनीतिक लोग हैं वो उनको श्रेय देते हैं। हम इनकी सिफारिश नहीं करते, कम से कम यहाँ कोई नहीं सिफारिश करता। मैं इस मामले में बड़ा सख्त हूँ कि जो भी कोई पकड़ा जाए उसको करो, कोई सिफारिश करता है उसका नाम मुझे बताओ। पर यह कि कई बार क्वांटिटी में छोटा है, कुछ लॉज ऐसे हैं जिसमें अगर पूरी क्वांटिटी में पकड़ा जाए तो अंदर रहता है, थोड़ी क्वांटिटी वाला उसमें। ये भी आपकी बात ठीक हो सकती है कि पुलिस में भी कई लोग कई जगह ऐसा कर जाते हैं कि वो मिनट के उनसे कम दिखा देते हैं, इस तरीके की बात होती है। उन पर भी हम सख्ती करें कि वो कई बार ऐसे जो ऑफिसर हैं उनको लाइन हाजिर कर दो, उनको थाने ना दो। तो आगे आपके पार्षद, क्योंकि आप यहाँ पे विधायक भी हैं, पार्षद या चेयरमैन आपके चुने जाते हैं, तो क्या इस तरह की शपथ भी दिलाई जाएगी कि जो पार्षद हैं वो ऐसे लोगों की जमानत ना करवाए या ऐसे लोगों का? नहीं, शपथ एक अलग चीज़ है, शपथ को कभी नशे में नहीं लाया जाता जी। शपथ जो होती है वो इस बात की होती है कि मैं ईमानदार रहूँगा, मैं ठीक रखूँगा, हमारे जो अंदर की बातें हैं बाहर लीक नहीं कर रहे हैं उन लोगों की जमानत ना करवाए। ये नहीं, ये शपथ नहीं होती, ये आदमी अपना जो एक मैनिफेस्टो है उसमें कह सकता है कि भाई मैं यहाँ से चुनाव, लोगों की फीलिंग्स है कि नशा नहीं बिके और मैं इस पर कड़ाई से, मेरी तरफ से पूरा ये प्रयास होगा कि नशा ना बिके। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।
आज पहले आप चुनाव लड़ रहे थे, आज आप दीपक दाभा के समर्थन में बैठ गए, क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने आजाद प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, चुनाव लड़ रहा था जी। लेकिन मुझे अपना दीपक दाभा के समर्थन में मैं आज दे रहा हूँ इसको। इसके पीछे हमारा एक पारिवारिक मामला है, जो हमारे मन भेद नहीं थे, मत भेद थे विचारों के। हमारे अजीज खड़े हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारा पुराना रहता है परिवार से, तो इन्होंने मध्यस्थता करते हुए हमें कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ना आमने सामने, मैं आपकी मध्यस्थता करता हूं और आप दीपक को समर्थन दें। इसलिए मैं आज बड़े आदर्श के रूप में इनको मानकर और अपना समर्थन दीपक को दे रहा हूं, और मैं अपने सभी सपोर्टर से यही अपील करता हूं कि दीपक को भारी मतों से विजय। तो आप जो जिन मुद्दों को लेकर के आप उम्मीदवार बने थे, तो क्या आपको लगता है कि दीपक उन मुद्दों पे खरा उतरेंगे? वो मैंने आपको कहा ना, हमारे मतभेद थे, मतभेद इसी के थे, जो विचार थे विकास कार्यों को लेकर, रानिया शहर की निजी छोटी छोटी समस्याओं को, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे सफाई का हो, चाहे सौंदर्यकरण का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, जो भी छोटे छोटे मुद्दे थे, हम तीनों ने बैठकर एक टेबल पर एक चीज़ को डिसाइड किया कि शहर का जो विकास है, सफाई है, और जो रोड मैप हमने तैयार किया है, उस पर प्राथमिकता से काम होगा।